हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दम आलू बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए 4 से 5 आलू लेंगे। आलू को धो के काट के इस तरीके से आप फ्राई करके रख लीजिए। 4 से 5 पत्तियाँ पालक की लेंगे। पालक को मिक्सर में ग्राइंड करके इस तरीके से रख लीजिए। 400 ग्राम्स दही हमें चाहिए, 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, थोड़ा सा घी हम लेंगे। उसके बाद हमें जो इन्ग्रीडियंट्स मसाले के तौर पर चाहिए, मैं आपको वो बता इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें जो मसाले चाहिए आपको मैं वो भी बता देती हूँ। 4 छोटी इलायची, 8 लौंग, 1 चम्मच मेथी, 2 पत्तियाँ दालचीनी, 1 चम्मच मीठी सौंफ, थोड़ी सी जयपत्ती, नमक स्वादानुसार, 1 लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। अब मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ऑयल एक कढ़ाई में डाल देंगे। अब मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मेथी, 2 छोटी इलायची और 4 लौंग और लाल मिर्च डाल दूंगी। अब मसाला भून चुका है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। इसके बाद हमने जो ग्राइंड किया हुआ पालक था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम दही भी डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो आप इसे आराम से पकाते रहिए। फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये रेडी होता है तब तक हम अपना मसाला पीस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है और इसने तेल को अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और मीठा मसाला जो मैंने पीस के रखा था वो ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसे अच्छे से हिला लीजिए। इसके बाद हम इसमें पोटैटोस जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। इसे आप अच्छे से हिलाते रहिए प्रिपरेशन के दौरान। फ्रेंड्स, अभी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी से फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।